आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। अबलख और पत्थर खदानों वाले शहर कोडरमा में विस्फोटक की मंडी लाखों करोड़ों के मुनाफे वाली रही है। सालों से अवैध विस्फोटक खरीद बिक्री के मामलों में यह जिला सुर्खियों में रहा है। पुलिस की कार्रवाई में वाहन में लदे विस्फोटक पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन पुलिस अवैध विस्फोटक कारोबार करने वालों तक कभी पहुंच नहीं पाती थी। पुलिस की कार्रवाई में विस्फोटक जब्ती, वाहन जब्ती और चालक को जेल भेजने तक सीमित हो जाती थी। जांच पड़ताल का दायरा केवल अवैध विस्फोटक बरामदगी तक रह जाता था, लेकिन अब पुलिस ने अवैध विस्फोटक कारोबार करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। एक अवैध विस्फोटक मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार। कोडरमा जिले में पिछले दिनों एक वाहन में भारी मात्रा में जिलेटिन पकड़ा गया था। उस मामले में कोडरमा पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए जांच प्रारंभ की थी। पुलिस के सामने कई चेहरे सामने आए जो अवैध विस्फोटक के कारोबार में सीधे सीधे शामिल थे। पुलिस ने जांच को अंजाम तक ले जाने के लिए गोपनीय ढंग से पड़ताल और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। जब पुलिस के हाथों में सबूत पर्याप्त मिल गए तो अवैध विस्फोटक के कारोबार में शामिल लोगों के चेहरों से पर्दा हट गया। पुलिस ने अवैध विस्फोटक कारोबार मामले में भाजपा नेता देवेंद्र कुमार मेहता को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इनकी गिरफ्तारी 1 जुलाई को नवलशाही थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा लगाए गए वाहन चेकिंग के दौरान दो युवकों द्वारा बाइक से 400 पीस जिलेटिन ले जाने पर पकड़े जाने के बाद जांच पड़ताल में नाम आने पर हुई। दो विस्फोटक के कारोबार में कई सफेद पोश जद में भाजपा नेता देवेंद्र प्रसाद मेहता की गिरफ्तारी के बाद विस्फोटक कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि इस धंधे में कई सफेद पोश सिंडिकेट की तरह इस अवैध कारोबार से जुड़े हैं, जिसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। कोडरमा जिले के अवैध विस्फोटक का कारोबार झारखंड के कई जिलों तक फैला है। इसकी तार कई सफेद पोशों तक जुड़े होने की बात कही जा रही है। 3 कोडरमा के सैकड़ों खदानों में नियम को ताक पर रखकर होती है ब्लास्टिंग। कोडरमा जिले के डोमचांच, मरकचो और सिरसिरवा इलाके में कई ऐसे माइंस होने के सबूत मिले हैं जहां पत्थर बोल्डर निकालने के लिए नियम कानून को ताक पर रखकर ब्लास्टिंग की जाती रही है। वहीं ब्लास्टिंग के लिए अवैध विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। विस्फोटक लाइसेंस धारी के स्टॉक मेंटेन रहता था, लेकिन खदानों में विस्फोट जारी रहता था। अवैध विस्फोट बेचने वालों से तथाकथित खदान मालिक सिंडिकेट के माध्यम से संपर्क में रहते थे, जिससे जरूरत पड़ने पर ऑर्डर सप्लाई करते थे। खनन विभाग या टास्क फोर्स औचक जांच में कभी मामले का खुलासा नहीं कर पाती थी, लेकिन कोडरमा पुलिस ने इस बार अवैध विस्फोटक का कारोबार करने वालों के खिलाफ मजबूती से सरगना को पकड़ने की तरफ बढ़ रही है। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में पुलिस को और भी बड़ी सफलता मिल सकती है। 3 अवैध विस्फोटक मामले को लेकर पुलिस गंभीर। एसपी कोडरमा के पुलिस कप्तान डॉक्टर एहतेशाम बकराईब की माने तो पुलिस अवैध विस्फोटक मामले में गंभीरता से अपना कार्य करेगी। एसपी का कहना है कि अवैध विस्फोटक का व्यापार पर लगाम लगाने के लिए जांच छापेमारी लगातार की जा रही है। विभिन्न थानों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिलेटिन लदे वाहन पकड़े जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अवैध विस्फोटक व्यापार को लेकर एक्शन जारी रहेगा। नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण पुलिस अधिक गंभीर है। यह विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि विस्फोटक किसी गलत हाथों में ना चला जाए। विस्फोटक पकड़े गए मामले में लगातार जांच जारी रहेगी। कोडरमा से काशिफ अख्तर की रिपोर्ट। उसी का है जो यहाँ पे यूज करते हैं उसको, उसका रख रखाव जो प्रॉपर गाइडलाइंस है फॉलो करना चाहिए, और उसमें जो आपत्ति रहेगी या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा उसमें, और इधर उधर यूज किया जाएगा एक्सप्लोसिव में, जो केस में जैसे किसी बाइक के साथ बरामद हुआ, किसी घर में बरामद हुआ, तो उसमें हम लोग केस कर रहे हैं और निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे। इस संबंध में 2 केस भी दर्ज हुआ है डोमचांच थाना में,
और उसी में हम लोग लगातार छानबीन करते हुए गहराई तक जाएंगे। का जो भी उसमें छानबीन आएगा तो उसकी क्लियरेंस होगा, वो कि जो भी जाए जहाँ चलता रहेगा उसमें। हाँ डेफिनेटली, बिकॉज एक्सप्लोसिव को रखरखाव बहुत है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि नक्सल के हाथ में लग गया तो दिक्कत का इशू है, इसलिए उसमें कोई है कि हम लगातार उसमें गहराई तक जो भी उसका रखरखाव में लापरवाही करेगा उसकी कार्रवाई होगा। इधर उधर किसी भी आदमी के हाथ में नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ जो जेन्युइन थिंग है उसी के लिए है।